Do you feel that there's something you find versatile among the artists from Jharkhand, like in different art forms, like sculpture or in abstract form as well? Do you find there's a versatility? Yeah, definitely. I mean, you see a lot of like abstract art. There is a lot of like religion-based art as well. Then there's like a bit of modern art here as well. There's like they've mixed modern with like tribal. So it's a. Ta-da! Bro Ki Yaari is back again with a new video on their channel, and it's me, Shalini Tigga. And today we're gonna talk about Jharkhand on art and culture. So let's get started. संभावनाएं देखिए हर एक राज्य की अपनी एक संस्कृति पे डिपेंड करता है, उसकी अपनी एक गरिमा है और अपना एक बढ़ने का तरीका है. लेकिन मॉडर्न वे पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय चाहिए यहाँ के लोगों को देखने के लिए. जो नज़रिया, जो आँखों का एक तरीका है, वो मुझे लगता है थोड़ा सा तैयार होना चाहिए. और आर्ट कॉलेज नहीं है या किसी भी आर्ट एक्टिविटी का सेंटर यहाँ पर नहीं है, ललित कला नहीं है. तो इस कारण मुझे लगता है कि आम जो नए जनरेशन है उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा समय चाहिए. अगर ऐसे एक्टिविटी होती रही और ऐसे बड़े बड़े वर्कशॉप अगर निश्चित तौर पर होता रहा तो निश्चित स्वभाग से मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत बेहतर जगह पर. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट लाइक आर्टिस्ट फ्रॉम झारखंड? आर दे इन लाइक they have enough potential to stand out and show the world what we have got? Yeah, they definitely do. If you look around, the artwork here is like on some international level, you know. Yeah. Some of these, yeah, it's definitely world class. Like I've seen, like I've gone to Chatterjee and Lal and Tark and all these big galleries in Mumbai, but this beats all of that. Like it's really really good art. Like it's wo dikhana hai yahan pe, log usko bhool rahe hain कि जो पॉटरी है वो भूल दी जा रही है कि अब कुमार का कोई मतलब रोल है. एंड दैट इज लाइक कि ये सिर्फ कुम्हार ही नहीं कर सकते, वी कैन ऑल्सो डू इट. मतलब नॉट कि सिर्फ कुम्हार है, पॉटरी मतलब पॉटर है, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सब कर सकते हैं और इसका जो स्कोप है बहुत, मतलब बाहर तो है ही है और यहाँ पे भी दिखाना है कि इसके थ्रू बहुत हो सकता है. लड़कियाँ भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही पॉट बना सकते हैं. वो लगता है कि पुरानी जो चीजें हैं वो कहीं छूट रही हैं या वो कंटिन्यू होते जा रही हैं? नहीं नहीं, वो जो हमारे ब्लड में वो तो है, वो तो रहेगा, वो कहीं नहीं, वो तो हाँ, वो तो नया टेक्निक आ रहा है, वो सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें ठीक है, जा रहा है उसको, तराशा जा रहा है, लेकिन और बेटर की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो जो जड़ है वो रहेगा. अलग अलग फॉर्म से बहुत लोग फिगरेटिव वर्क किए हैं, वो अपने तरीके से कुछ सोचे हैं. मैंने कलर्स को लेके इसको झारखंड को मतलब दिखाने की कोशिश की है. तो बेसिकली मेरा ये कलर्स है और जो ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ये मेरे स्टाइल है. मुझे लगता है कि झारखंड में काफ़ी संभावना है ऑब्स्ट्रैक्ट को लेकर के, और यहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत सीरियस आर्टिस्ट हैं जो बहुत संजीदगी के साथ में ऑब्स्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, और वो काफ़ी कैपेबल हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के साथ. मुझे तो बहुत आकर्षित करता है क्योंकि आजकल का कल्चर और ये सब सबको भूल जा रहा है, तो झारखंड का आर्टिस्ट लोग सब अपने पेंटिंग के थ्रू इस कल्चर को दिखाना चाह रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना दिखा रहे हैं. अब ये बहुत अच्छी बात है एक तरह से. अब झारखंड तो बहुत हर चीज़ में रिच है बट इसे यूटिलाइज नहीं हो पाता है अच्छे ढंग से. ये एक बड़ा अचीवमेंट है, एक नया एक्सपीरियंस है, ताकि और लोग भी जानेंगे उसको, देखेंगे. तो ये मेरे लिए और या बाकी जो मेरे जो बैचमेट या और हैं वो थोड़ा उनसे भी इंस्पायर्ड होंगे कि नहीं चलो कोई तो गया और किया. तो ये बड़ी बात है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना किसी आर्टिस्ट के लिए बड़ी बात होती है. इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं हम लोग की जनरेशन, उनके लिए कोई संदेश कि हम लोग झारखंड को आर्ट एंड कल्चर में कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखो पहले तो क्या होता है, आप अगर बडिंग आर्टिस्ट हो, आप सीख रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो यू शुड बी बिहेव लाइक स्टूडेंट्स. आपको सीखने में ज़्यादा दिलचस्पी होना चाहिए, ना कि एग्जीबिशन एंड शोज में. आप जहाँ से सको, जैसे सको, जिस आर्टिस्ट के पैर पड़ना हो, जैसे करना हो, जिससे जितना भी हो सके उनसे सीखो. आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली स्टडी बाहर परस्यू कर रहे हैं, तो बीइंग फ्रॉम झारखंड आपको कितना डिफिकल्टी महसूस होता है कि अपना संस्कृति को भी लेके चले हैं? लाइक बीइंग ए गर्ल ये भी एक कॉम्पिटिशन है, खुद की भी पहचान बनानी है. आपको क्या लगता है लाइक बाहर कितना कॉम्पिटिशन है? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. आपको लगता है कि लाइक झारखंड इसमें लाइक टिक सकता है? ऑब्वियसली टिक सकता है, बस मतलब
रहना चाहिए कि स्ट्रेंथ, आई हैव द कैपेबिलिटी. मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं झारखंड की हूँ, आई एम अ झारखंड एंड आई एम अ टोपो एंड आई एम अ आदिवासी. ये मैं नहीं कहती कि आई एम नॉट अ आदिवासी एंड ऑल, क्योंकि बाहर लोग ये सोचते हैं कि ये आदिवासी लोग क्या कर. या जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन से पहले हम लोग के पास ये टैलेंट है जो हम लोग के खून में है. हेलो एवरीवन. अरे क्या हुआ शालिनी? हम तुमसे खफा हैं, तुमसे नहीं हमें सोसाइटी से खफा हैं. क्यों शालिनी? आए दिन हम लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में हम रेप केस के बारे में सुनते आ रहे हैं. 8 से छोटे साल की लड़कियां, 12 साल से कम उम्र की लड़कियां, क्या हमारी सोसाइटी यही ट्रेंड फॉलो कर रही है? आई मीन सीरियसली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने चाहिए. इंस्टेड हम लोग को इसको कोई किसी चीज़ के ऊपर इम्पोज या ब्लेम नहीं करना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है या कोई रिलीजन, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रिलीजन ये नहीं चाहते कि ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुँचे. सो अगर आप कोई लड़की को जज कर रहे हैं जो कि किसी को करना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटे कपड़े पहन रहे, आई मीन एवरीबॉडी वी आर फ्री राइट. हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन. सो इंस्टेड कि हम लोग किसी को ब्लेम कर रहे हैं, वी शुड फाइंड इट एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ऑल्सो कि अगर कोई लड़की रात के 1 बजे, 2 बजे, 9 या 10 बजे घूम रही है, इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो क्या आप इस सोसाइटी में दब के जीना चाहेंगे या आवाज़ उठा के जीना चाहेंगे? आप इस गंदी सोसाइटी में जीना चाहेंगे या इसे साफ करना चाहेंगे? क्या आप लोग मेरे साथ हो? बिल्कुल शालिनी, हम आपके साथ हैं. और क्या आप